उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित डीमिलिट्राइज जोन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के प्रमुख की मुलाकात से बेहद खास हो गया है। इसके अलावा किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह पहला मौका था कि उसने दोनों कोरियाई देशों की सीमा पर किसी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की हो। इस लिहाज से भी पानमुन जोन की इस सीमा ने आज इतिहास बनते हुए अपनी आंखों से देखा। मैज कुछ मिनटों की मुलाकात के लिए और ट्रंप की तरफ से भेजे गए आमंत्रण के बाद किम जोंग उन इस सीमा पर आए थे। करीब 4 किलोमीटर की दूरी तक फैले इस जोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका है। इस लिहाज से यहाँ दोनों तरफ काफ़ी संख्या में जवान तैनात रहते हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए उत्तर कोरिया गए हों। उन्होंने इस पर खुशी का इजहार भी किया है। यहाँ पर पहुँचने के साथ ही मीडिया के कैमरे दोनों नेताओं की इस ऐतिहासिक मुलाकात को कैद करने की होड़ में लगे रहे। मिलिट्री डिमार्केशन लाइन की तरफ पहला कदम ट्रंप ने बढ़ाया। दोनों नेता दो अलग अलग दिशाओं से आए और फिर हाथ मिलाया। किम और ट्रंप कुछ दूरी तक साथ चले। उत्तर कोरिया की सीमा पर बने फ्रीडम हाउस में इस दौरान दोनों ने कुछ बात भी की। इसके अलावा दोनों ही नेताओं ने इस मुलाकात को दोस्ती की तरफ अहम कदम बताते हुए आगे बढ़ने की वकालत भी की। किम और ट्रंप ने इस दौरान मीडिया को भी संबोधित किया। ट्रंप ने इस दिन को उत्तर और दक्षिण कोरिया के लिए बेहद अहम बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन को कोरियाई सीमा पर रविवार को भेंट करने के लिए सार्वजनिक तौर पर न्योता दिया था। हालांकि किम ट्रंप की मुलाकात के दौरान डीएमजेड जोन पर पत्रकारों की धक्का मुक्की की वजह से व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रीशम को कुछ चोट भी आई। इसके बाद सभी पत्रकारों को फ्रीडम हाउस से बाहर कर दिया गया। किम और ट्रंप की यह मुलाकात करीब आधा घंटे तक चली। किम को विदा करने के बाद ट्रंप और मून ने प्रेस को भी संबोधित किया और अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में मौजूद अमरीकी जवानों को भी संबोधित किया। इस मुलाकात से पहले ट्रंप दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे के साथ उत्तर कोरिया से मिलती सीमा जिसको डीमिलिट्राइज जोन कहा जाता है पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पानमु जोन पर स्थित दक्षिण कोरिया की आखिरी आउटपोस्ट को भी देखा और जाना। गौरतलब है कि जापान के ओसाका शहर में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ट्रंप ने दक्षिण कोरिया रवाना होने से पहले शनिवार को ट्वीट के जरिए किम को आमंत्रित किया था। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि वह जापान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रहे हैं। उत्तर कोरिया के चेयरमैन किम अगर इसे देखते हैं तो वह उनसे सीमा पर मिलेंगे। उनका कहना था कि यह मुलाकात केवल 2 मिनट की होगी और वह केवल हाथ मिलाएंगे और हेलो कहेंगे। यह मुलाकात भले ही छोटी हो लेकिन इसके भी खास मायने हैं। खास इसलिए क्योंकि हनोई वार्ता विफल होने के बाद कहा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है। इस दौरान उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण भी किया था। इसके बाद भी अमरीकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ इन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया बल्कि दोस्ती की राह पर आगे बढ़ने का भी फैसला किया। माना यह भी जा रहा है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व और खासकर वेनेजुएला और ईरान को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि वे दुश्मनी के साथ भी दोस्ती से पीछे नहीं हटते हैं। ट्रंप और किम की गत वर्ष जून में पहली मुलाकात सिंगापुर में हुई थी। इसके बाद उनकी दूसरी शिखर वार्ता वियतनाम में इस साल फरवरी में हुई थी, लेकिन यह वार्ता उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग पर बेनतीजा समाप्त हुई थी। तब से दोनों देशों में परमाणु वार्ता ठहरी हुई है।